हम अपना फोर्थ जिम बैच के लिए चैलेंज करेंगे दोस्तों, हम करेंगे पोकेमोन नेबला दोस्तों। तो जिनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। जब दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मुझे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाके आप दोस्तों जब भी कोई नई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पे ही जाती है। और आपको गेम रिलेटेड कोई भी डाउट हो दोस्तों इंस्टाग्राम पे जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सेकंड जिम तक तो यार हमारी थोड़ी बहुत ही धक्के से गाड़ी चल पड़ी थी यार। फ्रॉगी ने कुछ पता कर दिखाया था फ्रॉगाइट बनने से पहले, पर दोस्तों उसके बाद से हमारी धक्का फिकेशन खत्म हो गया। धक्का इतना लगने लपड़ा, पहला इलेक्ट्रिक जिम आ गया उसमें इतनी हमारी लड़ाई हुई, इतनी बार हम हारे। उसके बाद हमारा ग्रास टाइप जिम आ गया, उसमें हमारा वाटर टाइप पोकेमोन हार सकता है, एरेटल तक भी हार सकता है यार। इसलिए मैं ग्राउलित पड़ा दोस्तों, मैंने सोचा मैंने पहले ग्राउलित क्यों नहीं पकड़ा यार। अब 11 लेवल का ग्राउलित मिला है, 10 लेवल का मिला था, एक लेवल बस बढ़ा पाया हूँ, उससे नहीं बढ़ा पाया मैं, क्योंकि मैं इतनी बैटल्स कर चुका हूँ यार। अब एक भी बैटल करने के लिए कोई पर्सन नहीं बचा, मैंने अंदर तक के लोगों को भी हरा दिया हुआ है, पर मैं उस टाइम ग्राउलित को नहीं पकड़ा था। अब बहुत ज़्यादा रिस्क है यार, क्योंकि यार बैटल के टाइम वो होगी ग्रास टाइप जिम, हमारे पास है वाटर टाइप पोकेमोन और जो हमारा फायर टाइप पोकेमोन है वो एक ही है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि यार अब कैसे 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 डिफीट करेंगे इसे हम। ऐसा करते हैं पहले हिप्पो को रख देते हैं ताकि हिप्पो का जो साइन अटैक है वो हमारे काम आ सके। यार हिप्पो भी बढ़िया है यार, हिप्पो ने बहुत अच्छी कोशिश की है, अब हिप्पो के लिए कर दिखाते हैं। हमें हमारा फोर्थ बैच किसी भी हालत में चाहिए। शायद चार पोकेमोन होंगे इसके, कितने चार होंगे, तीन ही हो, बस ज्यादा से ज्यादा तीन हो यार, उसको वो हराना बहुत मुश्किल होंगे। वैसे कितने पोकेमोन है, तीन पोकेमोन है। हम करते हैं यौन पहले, अगर यौन अटैक काम कर जाए मेगा ड्रेन यार बचना मुश्किल है अटैक से, तो का मुझे लग ही रहा था। हमारा साइन अटैक इतना काम नहीं कर पाया, पर अब ग्राउलित का देखते हैं यार ग्राउलित कुछ कर पाता भी है कि नहीं। तो ग्राउलित आ चुका है, ग्राउलित प्लीज मेरे भाई कर दिखा यार। अरे इसे एम्बर ही आता है खाली, बाइंड अटैक में बढ़िया हो गया यार, मेरा साथ अच्छा हो रहा है यार। जल्दी हार जाए, इसका लेवल गेन हो जाए और कुछ नहीं चाहिए यार, इससे इतने कम पावर से कोई फायदा नहीं। बर्न यार ये अच्छा अटैक हुआ, बर्न हो गया और प्लस बर्न भी हो गया, बर्न से इससे ज्यादा हर्ट भी होगा। इसकी मेगाटन जैसी पावर अब काम बस से बहुत लो करेगी, लो से लो, पर वन से मेगा ड्रेन ज्यादा पावर ना खींची जाए। ओ नो, हमें ग्राउंड की तरह जिंदा रखना, ग्राउंड इतनी हारना चाहिए क्योंकि ग्राउंड को लेवल गेन करना ही पड़ेगा तभी हम जीत पाएंगे ये मैच। अगर ग्राउंड मैक्स 25 का भी हो गया ना, 20 21 का हो गया तो कुछ फायदा हो सकता है, कुछ स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, कोई बढ़िया सी यार पार्टी चेंज करनी पड़ेगी। किसे रखें, स्कॉर्पियो तू जा मर, तू मर जा जाकर, कोई टेंशन ही नहीं हमें, हमारा जिंदा रहना चाहिए। स्कॉर्पियो मर गया, अरे वाह स्कॉर्पियो जिंदा है बेबी, गुड जॉब, तेरे इस हल्की जिंदा रहने की वजह से हम शायद पोशन यूज कर पाए टाइम रहते। अरे पार्टी नहीं, मेडिसिन, सुपर पोशंस, हाँ पावर रिस्टोर हो गई और मेगा ड्रेन से स्कॉर्पियो खत्म। बाय बाय स्कॉर्पियो, तुमने बहुत अच्छा किया, अब आगे का देखते हैं यार आगे की क्या सोच रखे हैं हम। मरने वाला है वैसे ये, पर अगर पोशन इस्तेमाल हो गया ना मैं कहता हूँ भाई जीतना के चांसेस कम हो जाएंगे हमारे। एंशिएंट पावर, शुक्र है मर गया,
12 का हो गया, 13 का हो जाए। हेल्पिंग हैंड यार बेकार टैग है, किसी काम का नहीं है ये उसे हमारे लिए। 14 का हो जाए, सोचा तो था। बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें। ग्राउलेट सिर्फ 13 का होगा, वो 28 तक तो होगा ही मैक्सिमम। 28 मेरे जितनी कैलकुलेशन मेरी लग रही है 28 तक होगा वो मैक्सिमम। 28 29 इसके करीब होगा। आ देखा 29। कैसे हार जीता पाएगा 13 लेवल का पोकेमोन? खाली ली स्टोम बच पाएगा क्या? ग्राउलेट मर गया, नहीं बच पाया। ब्लॉक वैसे तुम घायल हो गए यार। मुझे बैच चाहिए यार ग्राउंड से लेवल में, बाद में कभी भी बढ़ा सकता हूँ। ग्राउंड भी मैसेज जाएगा यार, पक्का जाएगा, पर एक बार मैं जीत जाऊं। अरे यार भी अटैक मिस होना था, वो बहुत मारेगा। वो लग जाए, पैसे खाए पक्का। मेरा डटल ने पैसे खाए यार, मैं बोल रहा हूँ ये डटल मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, किसी और का है, भगाने का है। वाओ सारे अटैक तेरे मिस होंगे, तेरा एक भी अटैक नहीं लगेगा जिंदगी में, कभी नहीं लगेगा। क्यों बे, जीवन से मिला हुआ है क्या तेरे पे? अटैक का इतना कम डैमेज हो रहा है, सोच यार अभी तक वो हार चुका होता। यही चल जाए, एशियन पावर ही हो जाए कुछ तो हो, पर इतना ताकतवर अटैक भी नहीं है एशियन पावर जितना रॉक टॉम है। रॉक टॉम हो जाए यार, थोड़ी सी पावर रह गई है अभी, ये पोशन वगैरह कर लेगी यूज और क्या। करेगी पोशन यूज करने वाली है, हम भी पोशन यूज कर लेते हैं, मैं सोच तो यही रहा हूँ। मेडिसिन मेरे पास फुल रिस्टोर था, एक फुल रिस्टोर। जाओ उसने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई क्या? एंड वाले पोकेमोन के लिए छोड़ के रखी है क्या? वाव रेप्टाइल क्या लेवल गेन हुआ है। ओह वाइन ग्लूम का थर्ड स्टेज जो हुआ है लीफ स्टोन से विकसित। रॉकटॉम हो जाए, मर जा मर जा मर जा। मेगा ड्रेन वो पावर एब्जॉर्ब करती रहेगी, मरती रहेगी, यही सिस्टम लगा रहेगा, कोई काम का नहीं है यार। ये कंफ्यूज हो जाए ना एक बार, अगर मेरी सुपरसोनिक चल जाए, एक बार सुपरसोनिक हो जाए यार, एक बार सुपरसोनिक हो जाए तो क्या हो जाएगा। वाओ पैरालिस गए, रॉक टॉम सोच रहा हूँ हो गया ठीक है, जीतते जीतते हार जाएंगे और क्या, जिससे इतनी उम्मीद लगाई वो हार जाएगा। ओफ करता हूँ पैरलिस यूज करता हूँ मेरे भाई, करता हूँ। पहले तो अपनी पावरफुल कर, तो पावरफुल करने के लिए सुपर पोशन तुझे मैं दे रहा हूँ। मेगा ड्रेन, इतनी पावर कम होने से कोई कोई फ्लाइंग टाइप भी है ना, मैं भूल चुका था ये फ्लाइंग टाइप भी है। फ्लाइंग टाइप पे ग्रास का कम असर होता है, इसलिए नॉर्मल है, इतना ज्यादा मतलब हो भी नहीं रहा है, नहीं भी हो रहा है, इसके बराबर की है। फंस गए क्या? पैरालिसिस खत्म हो गया हमारे पास, बोन है, ईथर है, मैंने क्यों नहीं रखा।
रोकता हूँ अगर हो पाए तो। अरे प्लीज मेरे भाई हो जा, क्यों तड़पा रहा है मुझे? मैं देखता, बाइट कर दे, खाली बाइट। मैं कुछ नहीं देखूंगा, बाइट कर दे बस बाइट। एनर्जी फिर खींच ली उसने यार, यही चक्कर रहेगा, कभी वो एनर्जी छीनेगी, कभी मैं तुझे पोषण दूंगा। हार जा बे, जिक्र करेगा क्या? मुझे वो बैच चाहिए खाली। मेगा ड्रेन, एरोडैक्टाइल, थोड़ी सी ताकत, तुम्हारी बाइट से एक बार खत्म हो जाए। हो जा, एक बार में जीत जाएंगे हम बैच। ओ यार 1% यार, ये हमारे सैंडस्टॉर्म ने कर दिखाया। गुड जॉब एडाटाइल, तुमने कर दिखाया, तुमने हमें एक बार में हमारा फोर्थ बैच दिला दिया यार, रेनबो बैच हमारा हुआ। अच्छा लग रहा है रेनबो बैच यार, अच्छा लग रहा है, यकीन नहीं हुआ यार एडाटाइल ने कर दिखाया। अब ट्रेनिंग का टाइम है हमारे ग्रावलित का, कोई ग्रावलित का लेवल बढ़ना चाहिए। चलो अब मिलता हूँ आपको बाहर पोकेमॉन सेंटर के पास। तो हम आ चुके पोकेमॉन सेंटर के बाहर यार, अब चलते हैं यार, इस सिटी को छोड़ते हैं लोटस टाउन, टाटा बाय बाय, क्योंकि हम जा रहे हैं यार अपनी अगली सिटी। ये क्या हुआ, कोई आ रहा है क्या? ये तो लगता है हमारा दुश्मन है हग, अब इसको हराना पड़ेगा। माई फोर्ट बाय जस्ट वेलिंग फॉर माई बैटल, जाने देना भाई। ये फाइट करना चाहता है, फंस गए। इसका 4 मिलियन बन गया, अब मेरे पास ग्राउंड भी था खाली अभी। वापस आओ ग्राउंड ले जाओ फॉर गाइस। तो ड्रैगन रेंज ठीक किया ये यार इतनी जल्दी, वाओ एक अटैक और हम गए। अगर हमारा वाटर पल्स हो गया तो ये गया, टाटा बाय बाय। हैं नहीं भाई, भाई मैं जा कर रहा था यार। 1% पावर, बेकार ट्रेनर, महारद्दी ट्रेनर। पावर स्टोरी नहीं हो पाई, एम्बर ठीक है ओके, ये अटैक सही है, जल्दी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा हमें। अब मेरी बारी, गाड़ी 14 का हो गया, बढ़िया है। मोबाइल अरे रखता है, इसलिए तो रखा है। तो मुझे भी गोबाल चाहिए ग्रास टाइप में, ये बहुत बढ़िया पोकेमॉन है यार गोबाल।
चल निकल। थर्टी थ्री का हो गया रटल। राइटल एंड क्रंच यार बढ़िया है। बाइट हटा देते ना, बाइट हटा के क्रंच सिखा देते हैं। इसके पास मटैंग भी है। अब मटैंग के खिलाफ नहीं नहीं ग्राउलित नहीं ग्राउलित नहीं ग्राउलित नहीं शाइनिंग मटैंग मुझे भी चाहिए। मजा लगता हमारी अर्थी उठने वाली है। कोई भी रोकटॉप अटैक इस पे काम नहीं कर रहा है। इतना कंफ्यूजन ओ लग गई। मेडलॉ सुपर इफेक्टिव, मुझे नहीं पता मेडलॉ सुपर इफेक्टिव होता है इसके। फ्रोगाइट कोई ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं, कोई इलेक्ट्रिक पोकेमोन नहीं। अपनी तो अर्थी उठ गई, अपनी बचते छोड़ो, देखते हैं अर्टल जीत पाता है कि नहीं। यार मुझे भी मेरा फ्रोगाइट इसका फीमेल है, मेरा मेल है। हुआ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तू मजाक को सीरियस मान गया, ये तेरी गलती। वाटर पल्स चलो मर तो गया। शेलगोन है इसके पास। शेलगोन के खिलाफ कौन सा पोकेमोन होगा यार? ड्रैगन टाइप पोकेमोन है भाई, वो भी 30 का, कोई आम नंबर नहीं 30। वाओ अब तो अर्थी उठ गई हमारी। मुझे भी एक शेलगोन चाहिए, मतलब एक बैगोन चाहिए। यार गैरिक सब गलत हुआ यार, इसे हक को यार सारे अच्छे पोकेमोन मिल रहे हैं और हमें, हम थर्ड क्लास चलना है, हमें तो होल ऑफ फेम जीतना है। लगता है ज्यादा लंबी वीडियो बन नहीं पाएगी, क्योंकि लगता है इस मैच के बाद एंड है गेम का। मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, कितनी वीडियो ठीक है लंबी। एम्बर बर्न हो गए यार हम, हमारे पोकेमोन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। अब लगता है कि हिप्पो कुछ कर पाएगा, मुझे लग नहीं रहा हिप्पो कुछ कर पाएगा। हम रिवाइव कर सकते हैं मेडिसिन, अच्छा रिवाइव पड़े थे हमारे पास 5। अरे रेप्टाइल जिस तरह इसकी पोकेमोन है, हमारे पास एक आइस टाइप पोकेमोन होना जरूरी है, एक आइस टाइप अटैक आना चाहिए हमारे पोकेमोन को, तभी हम इसके ड्रैगन पोकेमोन को हरा सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ योन, अगर योन काम कर पाए तो ये सो जाएगा, अच्छा सो जाएगा, तो थोड़ा हराने पर थोड़ा टाइम मिल जाएगा हमें। गुड नाइट ब्रो। और हम खत्म, शेलगन सोने वाला है बस थोड़ी देर में ही, सो गया।
जब तक ये सो रहा है हमारे पास थोड़ा थोड़ा टाइम है कि हम इसे हरा पाए। मत उठना बे, सोया रहा सोया रहा। गुड, लो इसी के साथ ही शेलबोर्न की अर्थी उठ गई। वो तो लक अच्छा था हमारा, जो हमारा अच्छा खासा पोकेमोन ने अच्छा काम किया। एडाटाइल बढ़िया काम किया तुमने, हमने हक्स को हरा दिया। ओह शुक्र है, पोकेमोन सेंटर जाकर आया मैं। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा पार्ट सी दोस्तों आज एंड। दोस्तों यार इतना लंबा वीडियो बनाने का फायदा तो है नहीं, क्योंकि अब आगे भी फाइट्स बहुत होनी है। उन फाइट्स को मैं पहले ही मतलब